हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। ये 23 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। व्हाट वी हैव लर्न्ड, अब तक जो हमने सीखा है आज हमें उसका रिवीजन करना है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है, इससे उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, उन्हें एनर्जी मिलती है और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए इसे यूज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिसको वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपना फूड रॉ मटेरियल्स से बनाते हैं और इसके लिए रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स लाइक कस्कटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेज सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। कस्कटा ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट है और दूसरे प्लांट से, होस्ट प्लांट से खाना लेता है। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है। ये सन की रेज से, सोलर एनर्जी से, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इसे प्रिपेयर करते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी बनाते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। और इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस बनती है उसे ये एयर में रिलीज कर देते हैं और एयर से इस गैस को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। मैनी फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक मशरूम्स, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो करती हैं, जैसे मशरूम, क्योंकि ये डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे लगती हैं इसलिए इन्हें सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।